अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से और स्पाइसी से चिप्स। ये चाहें तो बच्चे भी खा सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली बड़ों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ों का भी तो दिल होता है चिप्स खाने का, बड़े भी खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े के और बहुत स्पाइसी से चिप्स बना रही हूँ। ये इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो जो इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, इसकी स्पाइसेस हैं जो, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 चम्मच बेसन, ये है आधा चम्मच है हल्दी, आधा चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर पिसा हुआ, और आधा ही चम्मच है ये लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच है नमक, 1.5 चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला, और ये मैंने लिया है ये कॉर्न स्टार्च है जिसको कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं, ये भी 1.5 चम्मच मैंने लिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम चिप्स में मिक्स कर लेंगे, आलूओं के साथ लगा लेंगे इनको। ये तमाम जो मसाले हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी, ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी। ये जो कॉर्नफ्लावर और बेसन है इसको बाद में डालेंगे, तो ये जो मसाले हैं इनको पहले मैं मिक्स कर लूंगी। ये तमाम मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं, अभी मैं इस पर पहले कॉर्नफ्लावर डालूंगी, ऐसे इसको फैला के डालना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा बेसन मिला दूंगी मैं। यहाँ पे मैंने घी रखा है गरम होने के लिए, तो ये मैं आपको बता दूं कि जब इसको हम घी में बनाएंगे तो ये चिप्स हों या पकोड़े ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे बनिस्बत ऑयल के। ये इसको अभी मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी, उतनी देर जितनी देर हमारा जो घी है वो नहीं गर्म हो जाता अच्छे से। घी हमारा गर्म हो गया, अभी इसमें हम डालेंगे थोड़े थोड़े, इतने डालने हैं जितने इसमें डिप हो जाए अच्छे से। एक दफ़ा आराम से इसको हिला देंगे, 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। तो 1 मिनट बाद दोबारा हम जब इसका कवर हटाएंगे तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे चिप्स की। ना ये ढक्कन के ऊपर भाप सी बनना शुरू हो गई है, तो अभी हम ढक्कन उठा के तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको आराम से हम लोग उल्टा लेंगे, इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। अभी इसको दोबारा हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ये फिर 1 मिनट हो गया, अभी फिर इसका ढक्कन हटा दूंगी मैं और इसको हिला लेंगे आहिस्ता से। ये 1 मिनट का टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ कि जब हमने इसको फ़ौरन से अगर हिला देना है तो जो इसके साथ जितने भी हमने मसाला वगैरह लगाया है वो सब उतर जाता है। तो अगर हम इसको टाइम दे के चेंज करेंगे इसकी साइड, तो फिर वो उतरेगा नहीं मसाला, इसके साथ चिपक जाएगा अच्छे से। इस पर फिर मैं ढक्कन रख दूंगी 1 मिनट के लिए, और इसको साथ साथ हम लोगों ने चेक करते जाना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। चूल्हे की जो फ्लेम रखी है हमने वो मीडियम टू लो है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं इसकी आंच रखी हमने, ताकि जो हमारे चिप्स हैं वो जले ना अंदर से। ये भी मैं दोबारा इसको चेक करूँगी, ये अभी मैं 3 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम इसको ज़्यादा दे के चेक करना है मैंने। ये बस सिर्फ 2 मिनट के बाद बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये चिप्स बनाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं तकरीबन। ये जी चिप्स हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, अभी इसको हम निकाल लेंगे। मैं इसको निकाल रही हूँ, ये लाइट ब्राउन सा इसका कलर है, बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर डार्क नहीं करना। ये ट्रे में निकाल लेंगे हम, बहुत प्यारी सी ट्रे में। इसके ऊपर मैं दोबारा से थोड़ा चाट मसाला डाल दूंगी, ताकि इसका जो टेस्ट है वो दुबला हो जाए। ये जो चिप्स हैं आपको किसी भी केचप या चटनी वगैरह के साथ खाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, ये भी मैं आपको खा के भी चेक करवाती हूँ। ये देखें अंदर से सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार, और ऊपर से क्रिस्पी। इनका जो टेस्ट है वो अलग होता है खाने में, आप एक दफ़ा बनाएँगे तो इंशाल्लाह याद रखेंगे कि कितने मज़ेदार ये बने हैं। तो चलिए, मेरी अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।